हैवी को दोस्तों टैग ब्रेडे हेयर एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा के बारे में। तो दोस्तों मेरे एक दोस्त यूट्यूबर है, बड़ा यूट्यूबर है, तो मैंने उससे कुछ टाइम के लिए फ़ोन S20 अल्ट्रा मैंने लिया था रिव्यू के लिए, ताकि मैं भी अपने यूट्यूब चैनल पर बता सकूँ। तो मैंने लिया था और आपको मैं इसका वीडियो आपको नहीं दे सकता क्योंकि यार कुछ लिमिटेशंस थी, इस करके मैं नहीं दे सकता। बट मैं आपको दिल से अपना रिव्यू ज़रूर बताऊं क्योंकि मैंने इसको कुछ टाइम के लिए यूज़ किया है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मैं आपको इसका जो वर्स्ट इम्प्रेशन एंड द लास्ट इम्प्रेशन ज़रूर बताऊंगा मैं आपको। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों मैं आपको इसके सबसे पहले डिज़ाइन के बारे में बात करता हूँ। डिज़ाइन इज़ टॉप ऑफ द नॉच यार, क्योंकि देखो इतना प्रीमियम फ़ोन आपके हाथ में एक बार इन हैंड फील करोगे ना यार, तभी आपको पता चलेगा दिस इज़ अ प्रेटी मच गुड फोन यार। क्योंकि देखो इसका डिज़ाइन है, पूरा मेटल बॉडी है, दिस इज़ क्वाइट गुड। एंड मैंने इसमें एक चीज़ नोटिस एस कर रखा, एस पेन था जो वो राइट साइड से निकलता था, बट अब ये लेफ्ट साइड से निकलता है। बट कोई नहीं, अपन लोग इसमें भी एडजस्ट कर लेंगे। एंड वन मोर थिंग, इसका बहुत सारा जो एनिमेशंस है चेंज किया गया है और थोड़े बहुत फीचर्स चेंज किए। अगर हम आपको मान लो थोड़ा जादू दूसर करके लिखना, ड्राइंग व्राइंग करना एकदम गजब, तो आप इसमें कर सकते हो। एंड सेकंड थिंग है इसके स्पेसिफिकेशन में, आपको लाइन से स्पेसिफिकेशन बताता हूँ एंड आपका क्या क्या इसमें है वो भी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें, तो डिस्प्ले यार डिस्प्ले इज़ द इंडस्ट्री लीडिंग डिस्प्ले। आपको पता कि सैमसंग का डिस्प्ले इज़ द वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले इन डिस्प्ले इंडस्ट्री, ठीक है ना। तो आपको ये बात तो पता ही है। और इसका डिस्प्ले है वो 6.69 का इंच का डिस्प्ले है और ये भी काफ़ी बेस्ट डिस्प्ले है क्योंकि ये 2K डिस्प्ले है, तो आपको बहुत अच्छा व्यू एंगल मिलेगा, पंचिकुलर्स मिलेंगे एंड दैट सीट्स यार, बहुत अच्छा ये डिस्प्ले है। तो सेकेंड है, वन मोर थिंग इज़ कैमरा। तो कैमरा आपको पता है कि कैमरा इसमें जो बैक साइड है वो 3 कैमरा मिलेगा। तो वन ऑफ द मेन कैमरा है वो है 108 मेगापिक्सल का एंड दो 12-12 मेगापिक्सल के दो अलग अलग कैमरे हैं, तो एक अल्ट्रा वाइड एक डेप्थ सेंसिंग के लिए है। तो जो मेन कैमरा है इसका, जो मैं आपको फ़ोटोज़ बताऊं तो इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि इसका जो सेचुरेशन है, डायनेमिक रेंज है, आपको अगर ह्यूमन सब्जेक्ट की फ़ोटो लेना तो आपको ओवर सेचुरेट नहीं करता है, बिल्कुल नेचुरल कलर लेता है, मिनिमल जो होता है वो आपको अच्छा से अच्छा करके देगा, ठीक है ना। और ये भी बहुत बढ़िया चीज़ होता है। एंड जो सेकंड कैमरा है वो है अल्ट्रा वाइड। अब जैसे आपको मतलब बहुत सारे दोस्तों का क्यों लगे आ जा यार फ़ोटो ही लेते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों का, तो ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना, आपको अगर अच्छा मस्त बहुत सारे ग्रुप ग्रुप का फ़ोटो खींचना है तो आप अल्ट्रा वाइड से भी खींच सकते हो। तो अल्ट्रा वाइड इसका बहुत अच्छा है, दिस इज़ टू गुड। एंड डेप्थ सेंसिंग के लिए आपको पता है आगे पीछे का, मतलब आपको कहीं ब्लर उड़ करना एकदम मस्त से ब्लर हो जाता है एकदम आगे पीछे का, ये भी गुड है। एंड फ्रंट कैमरा की अपन लोग बात करें, 10 मेगापिक्सल का कैमरा दे रखा है, कम मत होना, मतलब इसका कम मत सोचना कि ये कैमरा कम है, दिस इज़ वेरी गुड कैमरा यार। अगर फ्रंट कैमरा की बात करें 10 मेगापिक्सल का तो है, इसके जो इसका फ़ोटोज़ है काफ़ी बढ़िया हो जाता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। इसका जो ह्यूमन सब्जेक्ट है इसकी फ़ोटो भी बहुत अच्छे से ये ले लेता है, ये भी बहुत 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 अच्छी चीज़ होती है। एंड जो इसका वेरिएंट है, वो मेरे पे जो वेरिएंट था वो था 12 GB रैम एंड 256 GB रोम वाले वेरिएंट था, दिस इज़ वेरी गुड वेरिएंट। एंड इसका जो प्रोसेसर पे आपकी बात करूँ, डे टू डे यूज़ के लिए एंड हल्की फुल्की गेमिंग करने के लिए भी आपको काफ़ी अच्छी इसमें परफॉर्मेंस देने के लिए एक्जिनोस का 990 जो चिपसेट है, पावर एफिशिएंट एंड काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, तो ये लगाया गया है जो आपको अच्छी खासी गेमिंग भी करवा देगा एंड डे टू डे यूज़ के लिए, आपको अगर लाइफ में यूज़ करना है डे टू डे तो आपको ये भी अच्छे से करवा देगा। ऐप्स का लोडिंग वोडिंग, रैम मैनेजमेंट आप कह लूँ तो रैम मैनेजमेंट भी बहुत इसका बहुत अच्छा है। एंड इसका जो UI है, अगर वन UI देखें तो इसको बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया है, दिस इज़ प्रिटी गुड। एंड ये एंड्रॉयड 10 पे आता है अवेलेबल। और द लास्ट थिंग है वो है इसका स्पेसिफिकेशन में, वो है इसका बैटरी। तो बैटरी इसकी 4500 mAh की बैटरी है, जो काफ़ी अच्छी बैटरी है और आपको अराउंड एक दिन का बैटरी बैकअप तो दे ही देगी, मतलब दे भी देती है, तो बहुत अच्छी बात है। और इसका जो चार्जिंग है वो है 25W के जो चार्जिंग है, काफ़ी बेस्ट चार्जर है, इतना लंबा चार्ज लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, बट डिसेंट चार्जिंग है एंड दिस इज़ प्रिटी गुड। एंड जो लास्ट थिंग है वो है हमारा सिक्योरिटी। दोस्तों देखो आजकल के ज़माने में सिक्योरिटी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होती है,
इसके लिए सैमसंग का आपको एंड्रॉयड का पता है, अगर 15 से 20 हज़ार का फ़ोन लोगे उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है रिस्क सिक्योरिटी का। एंड जो एंड्रॉयड में जो आपका प्रीमियम फ़ोन है, बड़े बड़े महंगे महंगे फ़ोन है, उसमें बहुत अच्छे से इसके सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ता है, जो इसके सॉफ्टवेयर से डेवलपर से इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। तो इसका जो अल्ट्रासोनिक स्पीड है, अल्ट्रासोनिक इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर है, पिछले फ़ोन्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्पीड हो गया, बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है। आप बस उंगली लगाते हैं, मिली सेकेंड्स कुछ लगते हैं और मिली सेकेंड्स में खुल जाता है, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। फेस रिकॉग्निशन में भी ऐसा नहीं कि आपको अगर फोटो दिखा दो तो अनलॉक हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे से इसको ऑप्टिमाइज़ किया गया है, तो आपको इतना प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। एंड अगर मैं कंक्लूज़न की बात करूँ तो आपको अगर अच्छा सा प्रीमियम फ़ोन लेना है एप्पल के बजाय, ठीक है, तो आप सैमसंग का नोट 20 अल्ट्रा ट्राई कर सकते हो। दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट प्योर गोल्ड, बहुत अच्छा फ़ोन है। प्योर गोल्ड मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो मतलब बहुत अच्छा फ़ोन है, आप एक बार जैसे ज़रूर ट्राई करना है इस फ़ोन को, आपको प्यार ही हो जाएगा यार। तो दैट्स इट दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे ज़रूर से प्रेस कर देना, एंड थोड़े देर बाद एक बेल का आइकन आएगा उसे जरूर दबा देना, और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक भी जरूर कर देना। Hope you like this video. Thank you friends. Have a nice day. Thank you.